प्रेमिका की मां से बदला लेने के लिए प्रेमी ने 7 महीने के मासूम की हत्या, प्लास्टिक में लपेट कर पानी की टंकी में फेंका, डॉग स्क्वाड की मदद से बच्चे का मिला शव। गोरेगांव पूर्व वनराय पुलिस स्टेशन की हद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस घटना में 7 महीने के मासूम बच्चे को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उस मासूम को प्लास्टिक बैग में लपेट कर पानी की टंकी में फेंक दिया गया। हत्या की वारदात पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर घटित हुई है। काफ़ी मशक्कत के बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने बच्चे के कपड़े के आधार पर बच्चे तक पहुंचने में कामयाब हुई और मासूम के शव को पानी के टंकी से बाहर निकाला। मां की शिकायत के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन दोहराया। वहीं इस हत्या के मुख्य कारणों को जानने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई। हत्या का आरोपी कन्नन मुथुत गणेश स्वामी उर्फ कंटू ने वनराय पुलिस स्टेशन को बताया कि वह 7 महीने के नवजात की हत्या सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर परिवार के साथ हमेशा के लिए गांव जा रही थी, इसलिए उसे मुंबई में रोकने के लिए 7 महीने के मासूम की हत्या को अंजाम दिया। मां ने बताया कि आरेख कॉलोनी में रहने वाला कन्नन मुथुट गणेश स्वामी उर्फ कंटू ने उसके बच्चों को चोरी से रात को उठाकर ले गया और हत्या कर दी। आरोपी कन्नन ने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका ने बताया कि उसकी माँ और छोटा भाई संदेश हमेशा के लिए गांव जाने वाले हैं। इसी बात से कन्नन ने उसे रोकने के लिए उस मासूम की हत्या कर दी और आज वह सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेस्टल, मुंबई। क्या नाम है आपके बच्चे का? संकेत। क्या हुआ था संकेत के साथ? आखिर क्यों वो कन्नन ने उसको उठा के ले गया, किडनैप किया, फिर क्यों की बताइए? मतलब वो लेके गया और पानी में डाल दिया, फिर फिर वो लोग पानी में कहां डाला? वो उधर वो गटर है ना, और टाकी में डाल दिया बच्चे को मेरे। फिर पुलिस लोग आए, रात को 8 बजे आए, वो लोग बोले कि पानी में बच्चा मिल गया, फिर एम्बुलेंस से वो लेके गए। क्या दुश्मनी थी? क्यों आखिर बच्चे के साथ? बस कि क्या मालूम, अभी मेरे को इतना नहीं समझ में आया, दुश्मनी हमारे से करने का था, मेरे बच्चे में क्या थी करने के लिए? आपके बच्चे के साथ उसका अफेयर चल रहा था ऐसा बता रहा है? प्रेम वो नहीं करती थी, भर जबरी उसके साथ करता था वो। 1.5 महीने से उसको अपने साथ रखा? हाँ, 1.5 महीने से, मतलब वो लेके जाता था घर पे लेके जाता था और मारता था मुँह बांध के। वो तो बोली, फिर इसके माँ बाप कुछ बोले नहीं, फिर वो लोग पुलिस लेके गए ना हम लोग, फिर वो लोग ने डांटा। उसने 3:30 बजे रात को किया। कौन से दिन? वो अपना परसों का दिन, 3:30 बजे। उसके बाद उधर ही लेके गए ना, वो इधर से लेके गया, वो गटर में डाल दिया। वो लोग कुत्ता लेके आए थे ना, कुत्ते से कपड़ा दिया मैं पहनने वाला, फिर उसने बांस लिया ना तो बोला कि उधर पूर्ण म्हणजे आता त्याला उचलून घेऊन गेला आणि त्या गटरमध्ये फिरून त्या गटरीमध्ये टाकलं त्याने। हा, टाकल्याच्या बाद मग तो गायब झाला का कसं? सकाळी इथं 11 वाजता आलेला तो मुलगा सकाळी इथं आला, मला त्याच्यावर दाट होत होता की यानेच माझा मुलगा टाकला। त्याला म्हणजे कुत्र्याचं, म्हणजे कुत्रे आणले होते ना, 2 कुत्रे आणलेले आणि 2-1 कपडा द्यायला मी त्याचा ड्रेस दिलेला, ड्रेसला म्हणजे वास घेऊन मासे फिरले ते चौकट, फिरल्याच्या बाद त्या रात्री 8 वाजता भेटला तो पाण्यामध्ये। सर, वनराय हत्या के मामले को सुलझाया है, क्या है मामला डिटेल में? 26 मार्च के एक सुबह 3 बजे एक लेडी मृणालता गोरे ब्रिज के नीचे एक अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। उसका 7 महीने का जो बच्चा है वो चोरी हो गया। वनराय पुलिस स्टेशन में खबर आ गई, गुना दाखिल हुआ किडनैपिंग का। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि कन्नम मुत्तुस्वामी नाम का एक एक्यूज्ड है, उसने वहाँ से वो बच्चा चुराया था और वो बच्चा लेके वो वेटरनरी कॉलेज प्रीमाइसिस में अंदर गया और वहाँ एक अबंडेंट एक पानी की टंकी है, अंडरग्राउंड टंकी, उसमें उसने फेंक के उसको मार डाला। अनराय पुलिस स्टेशन में मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हुआ और एक्यूज्ड जो है उसको अरेस्ट कर दिया है। सर, ये हत्या क्या किसी प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ था? ये एक लेडी की जो बड़ी लड़की है तो उसके साथ, यानी कि उसका ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और एक दिन पहले वो वहाँ आया भी था और उसको, वो लड़की है, उससे शादी भी करना था, तो
उसको उसमें एक उसी के चक्कर में उसने एक किडनैपिंग भी किया और मर्डर किया है। हत्यारे का बैकग्राउंड क्या है? ये एक रिकॉर्ड उसका है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मारपीट का केस है, हाउस ब्रेकिंग का केस है, ऐसे 10 केस जो है इसके खिलाफ दर्ज है।